वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे तुम लोग एक छोटा सा अपडेट देना है कि भाई अपना नया गाना शंभू आने वाला है, जो कि मैंने बहुत ही प्यार से शिवजी भगवान के ऊपर लिखा है। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना होने वाला है। और जितने भी लोग जो कि अपनी लाइफ में बहुत बुरा फील करते हैं, सैड फील करते हैं, उन लोगों के लिए गाना होने वाला है। गाना बहुत ही प्यारा बन रहा है, वीडियो भी बहुत प्यारा बन रहा है और बहुत जल्दी आने वाला है। मैं तुम लोग को अपने अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा, बट अभी से हाइप बनाने के लिए यार शिवजी भगवान के लिए मैंने गाना लिखा यार, तो मुझे पता है ना मैं कितना एक्साइटेड नर्वस हूं। तो अभी से हाइप स्टार्ट कर देते हैं मेरे प्यारे कमेंट्स, मचाना यार इस गाने के। अगर तुम लोग भी एक्साइटेड हो गाने के लिए तो प्लीज कमेंट्स के अंदर ओम नमः शिवाय लिख देना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे यार, लिटरली बहुत अच्छा लगेगा। कांग्रेचुलेशंस। मम्मी टिफिन कहाँ रखा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाँ बेटा वो किचन में पड़ा, ले लियो और पूरा खत्म करके आइयो। मम्मी आप वापस ही घटिया सीरियल देख रही हो क्या यार, हर वक्त ही अक्षरा पक्षरा देखती रहती हो। कल रात को मुझे कार्टून भी नहीं देखने दिया, एक बार आता है कार्टून मेरा और आपने रात को भी देखकर अब सुबह वापस देख रही हो यार। मम्मी बस मत कर, क्या पता तुझे वो तेरा बाप मिलकर दोनों दिमाग खराब करके रखा है मेरा। रात को वो नहीं देखने देता, सुबह नहीं देखने देता, तेरा रात को बात तेरा लगा के बैठ गया न्यूज, कैसे देखती मैं। चुपचाप निकल जाए ऐसे, दफा हो जा और टिफिन खाली मिलना चाहिए मेरे को। जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा भी देखने देते यार, जैसा बाप वैसा बेटा। मेरे पिछले वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें कलर्स नामक ड्रामने खौफनाक चैनल के बारे में बताया था, मगर क्या तुम्हें स्टार प्लस के बारे में पता है। स्टार प्लस भाई साहब कलर्स का भी बाप है खौफनाक चीजों के अंदर। इनका एक टीवी शो है जिसका नाम ये रिश्ता पता नहीं क्या कहलाता है, पता नहीं कितने सालों से टीवी के ऊपर दहशत फैला रहा है और अभी भी टीवी के ऊपर आ रहा है। जी हाँ अभी भी टीवी के ऊपर आ रहा है। अब मुझे पता है कि तुम भी मेरी तरह इन गंदे टीवी शोज को देखते नहीं होंगे, भाई मेरी ऑडियंस है भाई समझदार तो होगी, ऐसे गंदे टीवी शोज नहीं देखती होगी। मगर क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर भी कभी क्यूरियोसिटी आई कि यार आज के टाइम पे क्या दिखा रहे होंगे यार लुक्स के अंदर, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। काफी टॉर्चर सहा है मैंने, वो तुम्हें भी सहाऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर, तो देखते रहो इस वीडियो को। तो जितने भी वो मार्वल के फैन बॉयस है या फिर केजीएफ के फैन बॉयस है, जिनको लगता है कि भाई मार्वल का यूनिवर्स और केजीएफ का यूनिवर्स बहुत बड़ा है, भाई तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। इस दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्स तो भाई साहब इस घटिया टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता मैं नहीं, मतलब इस वीडियो के रिसर्च के लिए मैं विकिपीडिया के ऊपर गया इसकी स्टोरी जानने के लिए इस टीवी शो की, और मैंने क्या देखा तुम्हें पता है। इस टीवी शो ने इतने लीप ले रखे, 4 years later, 10 years later, 7 years later, 2 years later, 5 years later, इस घटिया टीवी शो ने इतनी बार लीप ले चुका है कि भाई जो इसके मेन कैरेक्टर्स थे जो अक्षरा और नैतिक जो थे वो मर चुके हैं और उसके बाद 4-5 बार मेन कैरेक्टर्स बदल चुके हैं। अब तुम कहोगे कि यार कॉमन भाई जब इतनी बार कैरेक्टर्स बदले, इतनी बार लीप ईयर्स आए तो भाई स्टोरी तो बहुत भयंकर होगी यार इस टीवी शो की, बहुत गजब की स्टोरी होगी। नहीं स्टोरी के नाम पे मजाक हुआ है गंदा वाला। इस शो में कुछ भी नहीं होता, बस इनकी शादियां होती रहती है। पहले ये लोग इनकी शादियां करवाएंगे, फिर इनका डिवोर्स करवा देंगे, मंजूर करती है, फिर वापस इनकी शादी करवाएंगे, फिर वापस इनकी शादी तोड़ देंगे, उसके बाद नई शुरुआत, उसके बाद फिर वापस शादी करवाएंगे, फिर बाद में वापस रिश्ता तोड़ देंगे। तुम क्यों नहीं आई नायरा, उसके बाद फिर वापस शादी करवाएंगे। मैं तो पागल हो जाऊंगा। अबे इतनी शादियाँ, एक शादी से पेट नहीं भर रहा तुम लोग का, मतलब इतनी शादियों के अंदर तो भाई साहब पोपटलाल के पूरे आने वाले जनरेशन की शादियाँ हो जाए यार। अब इतनी बार शादी करोगे फिर रिश्ता तोड़ोगे तो भाई फिर लोगों से पूछना तो फिरना ही पड़ेगा ना तुम लोग को। अंबुजा सीमेंट, कई बार तुमने खुद के घर वाले ही फोर्स करके शादी करवा देते हैं इनकी। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। 20 मुझे शादी करोगे? हाँ वो अलग बात है कि बाद में तुड़वा भी देते हैं लोग। तैयारियां लोग तो नायरा हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अरे क्या मतलब नहीं हो सकती पागल बुढ़िया, अब यह जो 1500 रुपए में भाड़े के सूट लाए थे इनका क्या करें हम। मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। मम्मी आज थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास है मेरा, तो मैं थोड़ा जाके आता हूँ। बैग कहाँ है तेरा, बिना बैग के एक्स्ट्रा क्लास? हाँ वो बैग नहीं मंगाया उन लोगों ने, विदाउट बैग बोला, इसलिए फीस ले रखी है 60-70 हज़ार रुपए, बिना बैग की पढ़ाई करवाते हैं ये लोग। मैं आती हूँ किसी दिन तेरे टीचर से मिलके जाऊंगी। वापस ये घटिया टीवी शो देख रही हो क्या, मतलब क्या इसका, ऐसे ऐसे देखते रहते हो? ये अक्षरा नैतिक क्या, ये नैतिक को कैसे मिल गई अक्षरा, ये नैतिक अच्छा लगता है अक्षरा को पता नहीं, नैतिक से तो काफी ज्यादा हैंडसम मैं हूँ। क्या तेरा सर पर चोट लगी है, कुछ भी बोलता रहता है तू, चल जाए यहाँ से रुक चाप से। कैसी औलाद पैदा करके रखी यार मैंने, क्या ये
और तेरे बाल कटवा ले तू, गुंगरालू बाल, कैसे बाल है इसके? मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। और भी तरह तरह की बकचोदी है इस टीवी शो के अंदर, मगर उसके बारे में बात करने से पहले मुझे तुम लोग को एक और बहुत सही चीज के बारे में बताना है। मैं तुम लोग एक बहुत ही बढ़िया ऐप के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसका नाम है बिनिमो। बिनिमो ऐप के ऊपर आप ट्रेड करके थोड़े से पैसे कमा सकते हो, और उसको कैसे यूज करते हैं मैं तुम लोग अपने फोन के स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो ये बिनिमो का इंटरफेस, यहाँ पर क्लिक करके तुम इसका चार्ट का टाइप बदल सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है चार्ट टाइप के। इस येलो बटन के ऊपर क्लिक करके तुम इसके अंदर पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। पैसा डिपॉजिट करने के बहुत सारे ऑप्शन है, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई। हमें इसमें प्रेडिक्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मुझे लगता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मेरा अमाउंट सिलेक्टेड है। अब मैं इस ग्रीन वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा। और ये देखिए मैंने अर्न कर लिया। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। प्लस 6370 आ चुका है यहाँ पर, और ये मेरे रियल अकाउंट में भी ऐड हो चुका है। तो ऐसे तुम लोग भी बिनिमो के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, मगर एक बात याद रखना कि ऐसी थोड़ी सी फाइनेंशियल रिस्की होती है, तो थोड़ा देख समझ करना इस चीज को। और अगर आप मेरे साइन अप साइन अप करते हो तो आपको आपके डेमो अकाउंट में $1000 मिलेंगे, जिसको यूज करके आप बिनिमो पे ट्रेड करना सीख सकते हो। थैंक यू। और सिर्फ शादी और डिवोर्स का नहीं, ऑलमोस्ट इस शो के सारे सारे कैरेक्टर्स भाई सब अंडरटेकर के खानदान से बिलोंग करते हैं। साले मरते ही नहीं यार। जैसे फॉर एग्जांपल इस लड़की का एग्जांपल ले लो, ये बंदी 50 करोड़ बार मर चुकी है। 50 करोड़ बार इसका एक्सीडेंट हो रखा है। एक बार ये कार में बैठी बैठी इसका एक्सीडेंट हो गया। एक बार ये सड़क पर चल रही होती है, कोई पीछे से कार ठोक के चले गई इसको। बिल्कुल स्लो चल रही होती है, फिर भी कार ठोक के चले गई इसको। छोटी बच्ची हो क्या? एक बार अपने पति के साथ मस्त रोमांटिक राइड पे जा रही होती है, पीछे से एक ट्रक आता है जो कि पक्का सलमान भाई का होगा। आगे इसको ठोक देता है, प्यार की थपकी देके चल जाता है। एक पल में जिंदगी यूं बदल जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता। मगर ये मर के वापस जिंदा हो जाती है। नायरा, एक छोटा सा एक्सीडेंट था। यू विल बी फाइन। कैसा फील कर रही हो अब तुम? ठीक हूँ डॉक्टर। तुम मुझे भूल चुकी हो नायर, पर ये रिश्ता मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। इसके मर के जिंदा होने से तो भाई साहब साक्षात धरती माँ परेशान हो गई। धरती माँ ने भी कहा तेरी ऐसी की तैसी मरी नहीं रही तू, दिमाग खराब हो रहा है। इसलिए एक बार तो धरती माता ने भी गुस्से गुस्से में जमीन को ऐसे फाड़ दिया बीच में से कि भाई तू जा इसके अंदर, डूब के मर जा इसके अंदर। जमीन फट गई, दो टुकड़े हो गए उसके। और ये मर गई। अगर गेस व्हाट, वापस जिंदा हो गई होगी। मेरी बीवी ये बहुत देखती है, मैंने देख कर रखा, वापस जिंदा हो जाएगी ये। इनको पता है क्या? कुछ कुछ नहीं देखते ये। प्लास्टिक सर्जरी होगी उसकी, प्लास्टिक सर्जरी होगी और फिर ऐसे प्लास्टर निकलेंगे और फिर वापस नायरा जिंदा हो जाएगी। नहीं भाई, इस बार तो इसने और भयंकर चीज की है। देखो विकिपीडिया के अंदर लिखा है, नायरा फॉल्स ऑफ ए क्लिप एंड डाइज, कार्तिक इज लेफ्ट हार्ट ब्रोकन। सॉरी फॉर यू कार्तिक भाई, तू भी मर जा, तू भी मर जा। सून कायरम मीट्स अ बॉक्सर नेम्ड सीरत हु इज नायरास लुक लाइक। भाई देख रहे हो इनकी बकचोदी, हम शक्ल लेके आ गए भाई, पूर्ण जन्म हो गया इसका। फनी चीज तो यह है कि फिर इस हम शक्ल सीरत की भी 50 करोड़ बार शादी कार्तिक से होती है, और 50 करोड़ बार इसके एक्सीडेंट होते, और फिर ये 200 करोड़ बार उन्हें एक्सीडेंट से बच के एक बार फाइनली मर जाती है यह चुड़ैल। और वैसे भी इनके खानदान में ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है भाई, ये पूर्ण जन्म, ये वापस जिंदा हो जाना, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नक्श इज बॉर्न नैतिक फॉल्स इन कोमा ड्यू टू एन एक्सीडेंट। इसका भी एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चले गया। 4 इयर्स लेटर अक्षरा स्टार्ट्स वर्किंग इन अ फैमिली बिजनेस, नैतिक रिकवर्स फ्रॉम द कोमा एंड स्ट्रगल। कोमा भी बोल रहा है कि भाई किसको लग गया मैं, ये बेंचों में को इतने हल्के में ले रहे हैं, मैं इनको लगता हूँ ये एक सेकंड में निकल जाते हैं। जैसे कोमा नहीं हो गया, कांग्रेस हो गया, कोई वोट ही नहीं दे रहा मेरे को। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नायरा अंडरगोस सर्जरी ड्यू टू ब्रेन क्लॉट आफ्टर विच नायरा एंड कार्तिक री मैरी, शी इंटर्स द फैमिली बिजनेस आफ्टर मनीष हार्ट अटैक। भाई एक ही घर के अंदर पहले ब्रेन क्लॉट सर्जरी भी हो गई, वो भी नायरा की, वही बंदी जिसका भाई धरती में ऐसा फटके मौत हुई वाली बंदी, वो भी तब हुआ जब मनीष को हार्ट अटैक आया था। भाई पूरा मतलब पेशेंट का खानदान है भाई इनका, कमाते ये लोग एक रुपया नहीं है। साले दिन भर ये भाड़े के सूट वगैरह पहन के घूमते रहते, एक रुपया नहीं कमाते भाई, कहीं से इनका रुपये का कोई जुगाड़ नहीं है। और इनका 15-16 जनरेशन भाई मस्त अमीरी में जी रहे, मगर पता ही कि पैसा आ कहां से रहा इन लोग के पास। सबकी आती नहीं, हमें ही आती नहीं। मम्मी, हाँ, थोड़ा घूमने जा रहा हूँ बाहर। शर्मा जी और मेहता साहब सारे पार्क में खड़े, उनके साथ मिलके बात करके आता हूँ थोड़े टाइम। हाँ जा जा बेटा, जा जा के आ जा, घूम के आना थोड़ा सा। तबीयत कैसी है आपकी? मेरी ठीक है तबीयत बेटा, तेरी कैसी दवाई ली तूने?
और वापस ये रिश्ते का कहलाता है, देख रही हो? हाँ बेटा यही देख रही हूँ, आज बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड आ रहा है। आज अक्षरा की बेटी की बेटी की ननद की बेटी की बहन की बेटी की बेटी की बेटी की बेटी की ननद की जटाने की बेटी की सास की बेटे की बेटी की बेटी की बेटी की बेटी की बेटी के पति के भाई की पत्नी की बेटी की बहन की बहन बेटी और उसकी ननद की बेटी के पति ने जहर खा लिया। क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, परेशान हो गया था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसलिए उसने जहर खा लिया। होता रहता है इसमें, तुम घूमने जाओ बेटा। और वैसे मैंने एक और खतरनाक चीज नोटिस की, ये शो स्टार्ट हुआ था 2009 के अंदर, राइट? और 2009 के बाद इसने पहला लीप लिया 4 साल का, मतलब 2013। फिर आया 10 साल का लीप, मतलब 2023, आज से 1 साल बाद। फिर आया 7 साल का लीप, मतलब 2030। फिर आया 2 साल का लीप और 5 साल का लीप, मतलब 7 साल का लीप, 2037 में आ गए लोग। फिर आया एक और 8 साल का लीप, मतलब 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 2045 के अंदर ये लोग। फिर आया 12 साल का लीप, मतलब 2057। ये वाले जो है भाई, ये लोग साइबर पंक यूनिवर्स में है भाई, 2057 के अंदर है भाई ये लोग। क्या मजाक बनाकर रखा यार इंडियन ऑडियंस का, यार हद है भाई, ये लोग 2057 में जी रहे हैं, व्हाट द फक मैन। चलो कोई नहीं, साले बुलेट ट्रेन का मजा ले रहे होंगे यार ये लोग, देख रहे हो? पता नहीं हम लोग कब मजे लेंगे, मगर ये लोग ले रहे हैं मजे। और तुम तो ये भी नहीं मानोगे कि भाई पहले एक अक्षरा मर गई, अभी एक नई अक्षरा भी आ चुकी है और उसके साथ भी लोग बहुत सारी बकचोदी कर रहे हैं। अगर आज टाइम खत्म हो चुका है तो आज के पार्ट में मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मगर अगर तुम लोगों ने पार्ट टू के लिए कहा तो मैं पार्ट टू बनाऊंगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट मोर बुलशिट इन दिस यूनिवर्स। मैं वापस कूदूंगा इस गंदे यूनिवर्स के अंदर और तुम्हारे लिए वापस एक बड़ा सी वीडियो लेके आऊंगा, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरा नया गाना शंभू बहुत जल्द आने वाला है, मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, और अगले जो रिसेंट वीडियोस आएंगे उसमें डेट बता दूंगा। और अगर कोई इंसान इस चैनल के ऊपर नया है और उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसका वेट कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया ना इस चैनल को, भाई धरती में गुस्सा हो जाएगी तुम्हारे ऊपर और जमीन फट जाएगी और तुम भी उसके अंदर गिर जाओगे। तो प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।